जिन स्टूडेंट्स को अगर मूव अप के बाद भी लगता है कि उनको एडमिशन लेना है और इसी साल लेना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि अभी हमारे फाइनल्स चल रहे हैं एंड ये जो सेमेस्टर है हम लोगों का 7th सेमेस्टर एंड होने वाला है। एंड उसके साथ साथ हम लोगों के प्लेसमेंट भी शुरू हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें साथ में देखनी थी, जिस चक्कर में हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बट ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मूव अप राउंड के बाद भी सीट लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपकी ICR UG काउंसलिंग 2023 की सारी की सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, मूव अप राउंड भी आपका खत्म हो चुका है। मूव अप राउंड के बाद ICR की कोई जिम्मेदारी नहीं बचती है कि वो सीट्स को जो कि आपकी वैकेंट रह गई हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनको फिलअप करवाए। तो उसके बाद वो एक नोटिस निकालते हैं, अगर आपने ICR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा हुआ तो उन्होंने नोटिस निकाला हुआ है, वैकेंट UG एंड PG सीट मैट्रिक्स आफ्टर मूव अप फाइनल राउंड ऑफ ICR काउंसलिंग 2023। तो उन्होंने मूव अप राउंड के बाद जितनी भी सीट्स वैकेंट थी उन सबकी लिस्ट निकाल दी है, और उस लिस्ट को आप देखना चाहें तो यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं जाना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज में कितनी सीट्स वैकेंट है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ग्रैंड टोटल जो सीट्स हैं आपकी जनरल कैटेगरी में SC OBC ST EW सभी कैटेगरीज को मिला के टोटल 768 सीट्स हैं जो कि वैकेंट है। आप चाहें तो इन सीट्स को फिलअप करवा सकते हैं, यानी कि अगर आपकी कैटेगरी में किसी यूनिवर्सिटी में सीट वैकेंट है और आप चाहें कि उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो सीधी सीधी बात है, आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीट्स हैं अब ICR फिलअप नहीं कर रहा होगा, उनकी यूनिवर्सिटी ही फिलअप कर रही होगी। तो अगर आपको उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो सबसे सही तरीका है कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर कॉन्टैक्ट कर लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन में आप उनके यूनिवर्सिटी ऑफिस में आप जाकर पूछ सकते हैं कि आपका जो मूव अप राउंड के बाद अगर वैकेंट सीट जो है उनको फिल करने के लिए कोई प्रोसीजर होगा तो आप उस प्रोसीजर को फर्दर कर सकते हैं, देन उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी एडमिशन लेने की यूनिवर्सिटी की होगी, ICR का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो ICR से आप कोई भी चीजें नहीं बची हुई हैं, जो भी चीजें ये जो वैकेंट सीट्स हैं ये कंप्लीटली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उनको फिलअप करनी है या नहीं करनी। आप इस लिस्ट के ऊपर जब जाएंगे सबसे पहले तो यही नोटिस निकाला हुआ है ICR ने कि ये जो सीट्स रह गई हैं रिमेन जो आपकी वैकेंट हैं यूनिवर्सिटीज में वो यूनिवर्सिटी की सीट हो गई हैं एंड यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से उन सीट्स को फिलअप कर सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना होगा। लाइक अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुई, आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई, इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि मूव अप राउंड के बाद भी इनकी काउंसलिंग होती है, जिसको हम स्पॉट राउंड काउंसलिंग बोलते हैं या कॉलेज लेवल काउंसलिंग बोलते हैं। कॉलेज लेवल काउंसलिंग क्या होता है, यूनिवर्सिटी खुद कराती है एंड उसके बारे में अलग से कहीं नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना होता है। तो सबसे बेटर है कि आप उनकी वेबसाइट को विजिट करते रहें। दूसरी चीज़ है कि आप इनकी वेबसाइट्स के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप इनसे पता कर सकते हैं कि कब इनकी फर्दर काउंसलिंग हो रही होगी, जो कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी वो ये खुद ही कंडक्ट करवा रहे होंगे। तो ये ऑफिस में कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिन स्टूडेंट्स को अगर मूव अप के बाद भी लगता है कि उनको एडमिशन लेना है और इसी साल लेना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमेशा हर साल मूव अप राउंड के बाद अपनी कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस जो अपनी कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाते हैं, कि ये आपको पता करना होगा कि कौन कौन से कॉलेज अपनी कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवा रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है जिस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीट वैकेंट है एंड आपको लगता है कि उस कॉलेज में आपको जाना चाहिए या आपका पसंदीदा कॉलेज है, तो सबसे बेहतर है कि आप उनको कॉल करें, पूछें कि इन सीट्स को आप कैसे फिल करने वाले हैं, उनका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होगा कब वो फिल करेंगे। वो सारी चीज़ें जब आपको मिल जाएगी डिटेल तो उसके बाद आप इजीली प्रोसीड कर सकते हैं कि किस तरीके से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ध्यान रखिएगा, ये सारे एडमिशन्स कॉलेज लेवल पर ही हो रहे होंगे, ICR का कोई रोल नहीं है, तो इसमें ना तो आपको कोई ICR की फैसिलिटीज दी जाएंगी ना ही ICR की स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग पर, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बट ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हर साल कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराती है, बाकी स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं वो कराएं या नहीं कराएं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई सीट वैकेंट है उनको फिलअप किया जाता है और कॉलेज लेवल काउंसलिंग हर साल इनकी होती है। तो अगर आपको लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है तो उनकी वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा या फिर उनके ऑफिस में फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ताकि अगर कोई चांस बनता है आपका तो वो चांस आपको ज़रूर मिले। बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सीट्स वैकेंट हैं, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी कैटेगरी में सीट कोई खाली है। SC ST वालों के लिए तो और अच्छा मौका होता है, क्योंकि SC ST वालों की सीट मोस्टली अगर वैकेंट रह गई तो वो वैकेंट ही चली जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप SC और ST कैटेगरी
कैटेगरी से हैं और किसी यूनिवर्सिटी में आपकी कैटेगरी की सीट वैकेंट है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिएगा कि क्या फर्दर प्रोसीजर हो रहा होगा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी जिनकी कॉलेज लेवल काउंसलिंग खत्म भी हो गई होगी, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो करने का सोच रहे होंगे, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप पता करें कि किस यूनिवर्सिटी में उनकी कॉलेज लेवल काउंसलिंग अभी होने वाली है या फर्दर हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इस साल एडमिशन लेना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। आप देख सकते हैं टोटल 768 सीट वैकेंट है अभी तक ओवरऑल कोर्सेज में। तो अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको जाना है और आपकी कैटेगरी की सीट वैकेंट है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, आई होप कि आपको कॉलेज मिल सकता है। तो दैट्स इट यार, बाकी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाकर चेक जरूर करते रहिएगा अगर आप फर्दर सीरियस हैं इस चीज के लिए, ताकि अगर कोई नोटिस निकलता है तो आपको जरूर मिले। बाकी बाय चांस अगर हमें इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी यूनिवर्सिटी के नोटिस निकले हैं तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। एंड बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कहीं से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी जरूर हेल्प करें। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।